press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैनिपुलेशन का ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जो कि मैं पिक्सार्ट पर करूंगा। ये ट्यूटोरियल थोड़ा एडवांस होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत ही पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस चैनल पर भी न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल वाला आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। वैसे आप लोग भी जानते हैं गाइस कि बैकग्राउंड ब्लर करने के बाद फोटो में चांद चांद लग जाता है, इसलिए ब्लर बहुत जरूरी है। सेव करने के बाद अब मैं ड्रॉ पे जाऊंगा। उसके बाद हम लोग रोड वाला पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग डाउन कर लें। उन लोगों को लेना पड़ेगा DSLR वाला पीएनजी। बारी बारी से सारा पीएनजी को हम लोग सेट करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप लोगों को समझ में। इस पीएनजी को हम लोग अच्छे से फोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। करने के बाद अब हम लोग अपना पीएनजी लेंगे। मैं अपना पीएनजी पहले से ही कट करके रखा हूँ ताकि वीडियो जल्दी बन सके और आप लोगों को जल्दी से समझ में आए। वीडियो को हम लोग थोड़ा फास्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं फ़ोटो कैसे मैं सेट कर रहा हूँ। अच्छा एडिट करने के लिए अच्छा फ़ोटो होना भी चाहिए, इसलिए जब आप फोटोशूट पर जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शूट कराएं ताकि फ़ोटो मैच करें DSLR के साथ, या और भी कोई एडिटिंग करा रहे हो तो फ़ोटो का अच्छा होना बहुत ज़रूरी। अब हम लोग लेंगे स्मोक वाला PNG जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप फ़ोटो के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। लेयर बहुत ज़रूरी है, आप लेयर को ध्यान से देखें मैं कैसे कर रहा हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही करें। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वाइट वाला ज़्यादा है इसमें, तो मैं थोड़ा क्लियर करूँगा। अब देख सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है गाइस, प्लीज़ लाइक करके वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं, मैं इससे मोटिवेट होता हूँ। आप लोगों को और कौन सा फ़ोटो एडिटिंग पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे आपके लाइक वीडियो ज़रूर बनाऊं। सारा PNG मेरे डिस्क्रिप्शन में है, PNG को ज़रूर डाउनलोड कर लें क्योंकि मैं खुद से क्रिएट किया हूँ, आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब अपन एक ब्लैक शेडो देंगे, इसके लिए मुझे एक न्यू लेयर क्रिएट करना होगा। अगर इस वीडियो को जो न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। और कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। अगर इस वीडियो से आपको सीखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटे वाले आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग फोटोज पोस्ट करता रहता हूँ। उसका भी अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उस फोटो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसका ट्यूटोरियल बनाऊँगा। बेसिकली मैं फोटोशॉप का ट्यूटोरियल बनाता हूँ पर अब मैं पिक्सार्ट से भी रिलेटेड ट्यूटोरियल बनाऊँगा। आप मेरे चैनल में फोटोशॉप का भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, फोटोशॉप से भी बहुत अच्छा फोटो एडिटिंग होता है। गाइस अब आप देख सकते हैं फोटो बहुत अच्छा से मैच कर गया बैकग्राउंड के साथ। अब हम लोग फोटो में थोड़ा सा फिल्टर ऐड करेंगे, उसके लिए हमें पहले टूल्स में जाना पड़ेगा। टूल्स में जाने के बाद हम लोग एडजस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा सारे ब्राइटनेस वगैरह को अच्छे से सेट कर देंगे फोटो के अकॉर्डिंग। गाइस अगर आप मेरे CV एडिटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पर भी वीडियो डाल दिया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा ट्यूटोरियल आप कहीं देखे नहीं होंगे, सो गाइस वो वीडियो ज़रूर देखें वीडियो देखने के बाद। अब हम लोग जाएंगे इफ़ेक्ट्स वाले मोड में और कलर में जाने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट को थोड़ा कम कर देंगे और सेव कर देंगे। गाइस ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे लाइट का PNG, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोग डाउनलोड कर लेना। लाइट वाले PNG को हम लोग फोटो के अकॉर्डिंग मैच करते हुए अच्छे से सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं,
और हम लोग फोटो के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। देखिए आप कितना अच्छा ब्रोकन लाइट आ रहा है इसमें। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल में सर्च करके स्पार्क PNG करके। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को 1K लाइक ज़रूर दें। इसके बाद मैं ये वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ही आप लोग 1K लाइक कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो में, तो मैं इस फोटो का ट्यूटोरियल आप सभी के बीच ज़रूर लेके आऊँगा। बहुत ही इजी स्टेप से मैं एडिट किया हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।